Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. This is Uday 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे हैं business studies chapter 4 जिसका नाम है business services. So what we are going to teach today, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक का नाम है some important services provided by bank, यानी banking services. यानी banking services में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं. The topic of banking services is bank draft के बारे में पढ़ेंगे, banker check के बारे में पढ़ेंगे, ओवरड्राफ्ट के बारे में जानेंगे. इसके अलावा हम कैश क्रेडिट और अपार्ट फ्रॉम द बैंक सर्विसेज वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल पेमेंट क्या है और डिजिटल पेमेंट के क्या बेनिफिट हैं कस्टमर को एज वेल एज एक बैंक को. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर. तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो एक बैंक हमें प्रोवाइड करता है. तो दीज services can be categorized into these category. सबसे पहली services जो bank हमें provide करता है वो है बच्चों कौन सी, वो है आपकी बैंक ड्राफ्ट. इसके अलावा हम पढ़ेंगे बैंकर चेक के बारे में. देन नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज ओवरड्राफ्ट. द नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट और लास्ट में हम पढ़ेंगे शॉर्ट एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन. तो दीज आर द वेरियस सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन. तो चलिए इसको हम जानते हैं वन बाय वन इन डिटेल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट services provided by the bank that is known as bank draft. तो bank draft क्या है? तो सबसे पहले हम generally समझते हैं bank draft के बारे में. तो bank draft is one of the services provided by the bank to their client or to their customer. यानी आप अगर customers हैं और आप अपनी services लेना चाहते हैं bank draft के तौर पर, तो आपको visit करना पड़ेगा अपनी bank के पास. आप bank के पास क्या करेंगे? Visit करेंगे और bank से बोलेंगे कोई भी बैंक होगा वो आपको सर्विसेज देगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट. अब ये सर्विसेज क्यों लेगा कोई भी क्लाइंट और द कस्टमर? यानी दिस सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट इज अवेल बाय द कस्टमर टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट. यानी जब एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर करने की बात आती है या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात आती है, तब हम हमारा कस्टमर बीइंग ए कस्टमर हम यूज करते हैं बैंक ड्राफ्ट का. जनरली बैंक ड्राफ्ट कब यूज होता है? बैंक ड्राफ्ट जब यूज होता है जब जनरली हमें उस पैसे को अपने आउटसाइड द सिटी ट्रांसफर करना हो. यानी ये लोकल ट्रांसफर ऑफ द फंड के लिए नहीं होता. यानी लोकल ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है पे ऑर्डर, जो बैंकर चेक के नाम से जाना जाता है, जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो बैंक ड्राफ्ट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कस्टमर व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस प्लेस इज आउटसाइड द सिटी. यानी जब हम आउटसाइड द सिटी किसी पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो बैंक हमें देता है बना के बैंक ड्राफ्ट. यानी कस्टमर की डिमांड पे हमें बैंक ड्राफ्ट बना के देता है. कौन? बैंक बना के देता है, जिसमें हम कोई भी पैसे को अगर हम कैरी नहीं करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. और ये ट्रांसफर जो होगा आउटसाइड द सिटी होगा. आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड सिटी यानी जो आपका लोकल टाउन है उससे बाहर आप क्या है बैंक ड्राफ्ट लिखवा सकते हैं बैंक के पास जाके. जनरली अब बैंक ड्राफ्ट जो है जनरली बैंक टू बैंक के बीच में ट्रांसफर होता है. यानी अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है तो आप दूसरी कैनरा बैंक जो कि आउटसाइड द सिटी है वहां पे बैंक ड्राफ्ट लिखा सकते हैं. यानी जनरली ऐसा ही होता है. लेकिन अगर उस बैंक ने किसी दूसरी बैंक से भी टाई अप कर रखा है तो उस केस में आप दूसरे की बैंक अकाउंट में भी बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन उसमें मेक श्योर के बैंक का उसके साथ क्या होना चाहिए? टाई अप हो रखा होना चाहिए. इस बैंक ड्राफ्ट के लिए बैंक जनरली आपसे एक कमीशन चार्ज करता है. बैंक क्या करता है? आप से एक कमीशन चार्ज करता है और इस कमीशन को कस्टमर को पे करना पड़ता है बैंक को. जनरली बैंक ड्राफ्ट जो होता है ये बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट होता है पैसा पहले,
उसके बाद जिस पार्टी को ट्रांसफर किया है आपने, वो पार्टी आके उस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू के पैसे ले सकती है। तो दिस इज जनरली यूज बाय द क्रेडिटर, जब वो अपने पैसे की श्योरिटी चाहते हैं तो क्रेडिटर के लिए सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड है वो है बच्चों बैंक ड्राफ्ट। यानी जब आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसे को भेजते हैं तो जनरली द चांसेस ऑफ डिसओनर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है डिसओनर के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो पैसा है, जो पैसे पार्टी ट्रांसफर कर रही है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, और बैंक अकाउंट में जिसकी भी डिपॉजिट होंगे तो इसका मतलब बैंक उसका पेमेंट करेगी ऑन प्रेजेंटिंग द बैंक ड्राफ्ट। जब वो प्रेजेंट करेगा उस बैंक ड्राफ्ट को आके उस बैंक में, तब उसको वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो जनरली देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बैंक ड्राफ्ट। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है बैंक टू बैंक अलग वेरी करता है। एक नॉर्मल बैंक ड्राफ्ट का आप यहां पे पिक्चर देख सकते हैं, उसमें आप अमाउंट लिखते हैं, कितना अमाउंट है उसको दोनों डेट में लिखते हैं, डेट डालते हैं और अपना नाम और जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो मेंशन करते हैं। जनरली कॉमन इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं और ये पैसे को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आउटसाइड द सिटी। और इसके लिए बैंक जनरली चार्ज करता है एक कमीशन जो बैंक को पे करना पड़ता है उस कस्टमर को। तो जनरली चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज ए चेक ड्रॉन बाय वन बैंक। ये क्या है, बैंक द्वारा लिखा गया चेक है जिसमें हम फंड को डिपॉजिट करते हैं दूसरे अकाउंट में, यानी दूसरे अकाउंट में अनदर बैंक में। ऑथराइज द सेकंड बैंक, जिसमें हम सेकंड बैंक को ऑथराइज करते हैं कि वो पेमेंट कर दे उस इंडिविजुअल को जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा हो, यानी जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा होगा उसके लिए हम ये पेमेंट करवाते हैं अपनी बैंक से। इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसे को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरली आई एम श्योर कि बैंक ड्राफ्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बैंक ड्राफ्ट जो है जनरली यूज किया जाता है व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट व्हिच इज आउटसाइड द टाउन, जो टाउन से बाहर हो। जनरली बैंक क्या करता है इस केस में, कमीशन चार्ज करता है। बैंक ड्राफ्ट जनरली यूज होता है एक ही बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, यानी कैनरा बैंक। अगर आपकी जयपुर में है और आप दिल्ली में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो इट कैन बी इजिली डन, लेकिन अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो उस केस में आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि वो बैंक ड्राफ्ट वो यानी उस बैंक का टाई अप हो रखा है दूसरी बैंक से या नहीं हो रखा है। अगर नहीं हो रखा है तो फिर वहां पे बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी आप नहीं ले पाएंगे। जनरली यहां पे कमीशन चार्ज करता है और ये आउटसाइड द सिटी बैंक ट्रांसफर करने के लिए सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है। इसके अंदर डिसओनर के चांसेस भी जीरो हो जाते हैं, क्योंकि पहले आपको क्या है पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसको प्रेजेंट करेगा बैंक ड्राफ्ट को जिसका नाम लिखा होगा उस बैंक ड्राफ्ट पे उसको ये पैसा बैंक प्रोवाइड कर देगा, यानी डिसओनर के नो चांसेस। तो आई एम श्योर कि बैंक ड्राफ्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो नेक्स्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है बैंक वो है बच्चों बैंकर चेक। बैंकर चेक इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज गिवन बाय द बैंक टू देयर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर के लिए बैंक एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसको हम जानते हैं बैंकर चेक के नाम से। बैंकर चेक जस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट, मगर ये लोकल टाउन में पैसे ट्रांसफर करने का एक सोर्स है, ट्रांसफर ऑफ मनी। यानी इसके अंदर भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, लेकिन ये जनरली कहां पे ट्रांसफर होता है, ये भी अगेन ट्रांसफर होता है बट आउटसाइड नॉट द सिटी, आउटसाइड द सिटी नहीं बल्कि विद इन द सिटी यानी लोकल टाउन में। मान लीजिए अगर आप बात करें एक सिटी के जयपुर, जयपुर में कई सारी बैंक अकाउंट है और बहुत बड़ा एरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द सिटी विद इन द टाउन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैंकर चेक का। तो बैंकर चेक में भी जनरली जो बैंक है वो कमीशन चार्ज करती है, बट दिस कमीशन इज लेस एज कंपेयर टू बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक ड्राफ्ट के कंपैरिजन में ये जो कमीशन होता है ये होता है थोड़ा सा कम, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है लोकली ट्रांसफर हो रहा है। अगेन यहां पे भी वो ये कि अगर बैंक का टाई अप हो रखा है दूसरी बैंक को तो वहां पे हम दूसरी बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जनरली बैंक अपने
बैंक में ट्रांसफर करता है बैंकर चेक के थ्रू। तो इसके अंदर भी हम किसी का भी पेमेंट कर सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ डिसऑनर। इसमें भी डिसऑनर के चांसेस नहीं होते क्योंकि पहले आपका जो पैसा है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद जो पंदा उसके लिए हमने बैंकर चेक लिखा है उसका नाम प्रेजेंट होता है उस बैंकर चेक पे और वो बैंकर चेक वहां प्रेजेंट करके उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं एक बार। दिस इज ए डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रूमेंट ए बैंक टू पे सर्टन सम ऑफ पार्टी टू थर्ड पार्टी सर्टन सम ऑफ मनी टू थर्ड पार्टी। यानी इसके अंदर भी बैंक क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए। सच ऑर्डर आर नॉर्मली एक्नॉलेज बाय बैंक और बैंक इसको एक्नॉलेज करता है एंड गारंटी देता है पेमेंट विल बी मेड और ये कहता है कि भैया आपका जो पेमेंट है जिस पार्टी को आप करना चाह रहे हैं वो पार्टी का पेमेंट हो जाएगा। इट इज ए काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी एक बैंक ड्राफ्ट की तरह है लेकिन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बैंक ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक इज ओनली कि बैंक ड्राफ्ट यूज होता है व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर मनी आउटसाइड द टाउन। यानी अपने सिटी से बाहर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट का यूज करेंगे और जब हम लोकल विद इन द टाउन यूज करना चाह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मनी का तब हम यूज करते हैं बैंकर चेक का। तो जहां पे आप देख सकते हैं विद इन द टाउन इट कैन बी कॉल्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट, इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कह सकते हैं इस वजह से क्योंकि बैंक ड्राफ्ट तो आउटसाइड द सिटी के लिए यूज हो रहा है लेकिन आउटसाइड के अलावा विद इन द सिटी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको बैंकर चेक को यूज कर सकते हैं इसलिए इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। कमीशन चार्ज इज ऑन पे ऑर्डर इज लेस देन द बैंक ड्राफ्ट और इसमें जो कमीशन चार्ज होता है इसको दूसरा नाम जो है इसका बच्चों वो क्या है पे ऑर्डर। यानी बैंकर चेक का द सेकंड नेम इज पे ऑर्डर और इस पे ऑर्डर का जो कमीशन होता है इज जनरली लेस एज कंपेयर टू बैंक ड्राफ्ट। ठीक है क्योंकि विद इन द सिटी हो रही है और इसका ये कुछ आप यहां पे प्रेजेंटेशन देख सकते हैं इसका एक फॉर्मेट देख सकते हैं इस टाइप से फॉर्मेट होता है इसमें जिसमें आप डिटेल भर के जिस पर्सन को भेज रहे हैं उसका नाम लिख के आप उसको पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बट विद इन द सिटी। ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट सर्विसेज की बात करें तो नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट इज द वन ऑफ द फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू देयर बिजनेसमैन और टू देयर क्लाइंट। जनरली इसमें क्या होता है इसके अंदर आप जो आपका जो डिपॉजिट है जो डिपॉजिट है बैंक के साथ उससे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप निकाल सकते हैं और दिस लिमिट इज गिवन बाय द क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस। यानी क्रेडिट वर्थिनेस के बेसिस पे ये आपको लिमिट देता है जिसमें आप क्या है एक्सेस विड्रॉ कर पाते हैं जितना भी आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा निकाल पाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द फैसिलिटी और वन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है चलिए इसको जान लेते हैं। इट इज द अंडर दिस अरेंजमेंट ए कस्टमर हैविंग ए करंट अकाउंट इज अलाउड। यानी ये जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन से अकाउंट पे दी जाती है, जनरली दी जाती है आपके करंट अकाउंट पे क्योंकि इससे पहली क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट जिसमें आता है सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट रिकरिंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और मल्टी ऑप्शन अकाउंट। ठीक है इसमें करंट अकाउंट पे दी जाता है विथड्रॉ जिसमें हम कर सकते हैं अपने बैलेंस से ज्यादा ही कैन विथड्रॉ अप टू द स्पेसिफिक लिमिट ऑन एग्रीड पीरियड। एक एग्रीड पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक लिमिट के साथ ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। जनरली इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द वर्चुअली ओवरड्रॉन यानी जो आपका ओवरड्राफ्ट है उस पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता उस पे जनरली बैंक क्या करता है एक सर्विसेज चार्ज करता है क्योंकि यहां पे आप बैंक का पैसा एक्सेस पीरियड के लिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है तो आई एम श्योर के बैंक ओवरड्राफ्ट और वी कैन से ओवरड्राफ्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओवरड्राफ्ट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बिजनेसमैन वेयर बिजनेसमैन यूजेस द बैंक फैसिलिटी number of time without restriction and also he can withdraw excess amount than there is deposit जो उसका deposit है उससे ज्यादा ले सकते हैं और इस पर generally हमारा interest भी नहीं देती है bank। इसके बाद अगर हम next services की बात करें given by the bank तो next services given by the bank is cash credit। cash credit क्या है
Under this arrangement, the borrower is allowed to withdraw up to a certain against the security. Cash credit kya hai? Generally, it is also one of the services provided by the bank to their businessman. Yani iske andar hum certain limit tak paisa use kar sakte hain bank ka, but wo paisa milta hai aapko kisi bhi security pe. Yani security means jo aapne stock bana rakha hai, jo bhi stock hai, us stock ke valuation se bank aapko kya kar deta hai? कैश की फैसिलिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। यानी आपको एक उधार के तौर पर पैसा दे रहा है। अब वो उधार के तौर पर पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने अगर स्टॉक बना रखा है और वो अभी सेल नहीं हुआ है, तो आपके पास अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है तो बैंक से आप अप्रोच कर सकते हैं एक बिजनेसमैन के तौर पर, और बैंक से कह सकते हैं कि भैया हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए क्योंकि हमारा स्टॉक बन चुका है, इट कैन बी सेल इन द मार्केट, और उससे जो पैसा आएगा हम आपको डिपोजिट कर देंगे। तो उस केस में बैंक क्या करता है, आपकी बोरोअर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है, उसको कुछ अमाउंट दे देता है, सर्टेन अमाउंट दे देता है, जिसको हम जानते हैं कैश क्रेडिट के नाम से। तो कैश क्रेडिट इज आल्सो वन ऑफ द फैसिलिटी गिवन टू द बिजनेसमैन अंडर ए सिक्योरिटी, जिसमें आप अपने स्टॉक या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी रख सकते हैं जिसके बदले में बैंक आपको मनी दे देगा और आप उससे अपनी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट सर्विसेज देखें, सो नेक्स्ट सर्विसेज ऑफ द बैंक इज जस्ट वेट, नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज वेरी कॉमन, जो आपने सुनी होंगी, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। क्योंकि बैंक का असली काम होता है लोन प्रोवाइड करना किसी भी बिजनेसमैन को। तो यहां पे बैंक आपको तीन टाइप के लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन इज द लोन व्हिच नीड टू बी पे विद इन वन ईयर, जो एक साल के अंदर पे करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन इज प्रोवाइडेड बिटवीन वन ईयर टू फाइव ईयर। उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पीरियड, मे बी मोर देन 5 years, 10 years, 20 years, कितना भी टाइम हो सकता है। तो लोन इज ए सम अप सम लमसम एडवांस रीपेबल ऑन द एक्सपायरी स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको एक लमसम अमाउंट बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। अब वो जो लमसम स्पेसिफाइड पीरियड होगा वो आपका लोन के टर्म्स पे डिपेंड करेगा कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। सपोज अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा, मीडियम टर्म के लिए लिया है तो इट में भी 1 year to 5 year, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 5 year से भी ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, 5 years के बाद आपको पे करना पड़ेगा। इट में भी सिक्योर और अनसिक्योर। इसके अलावा ये जो लोन होते हैं ये बैंक आपको दो टाइप से देता है, पहला सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मींस जहां पे आपको मॉर्गेज रख के लोन मिलता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सबमिट करना पड़ेगी, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे, उसके बाद आपको लोन मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन इज गिवन बाय द बैंक टू देयर क्रेडिट वर्थिनेस कस्टमर, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती, वो जानती है कि भैया क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी है और ये बंदा हमारा लोन लुटा देगा, तो उस केस में वहां पे अनसिक्योर्ड लोन भी दे देती है। द लोन मे बी पेड बैक बाय बोरोअर इन इंस्टॉलमेंट। और अब ये लोन का अमाउंट जो है जनरली बैंक को हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी पे करना पड़ता है, वो इंस्टॉलमेंट में। यानी आपका अगर 10 लाख का लोन है तो उसमें इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ लोन, कौन सा कितने साल के लिए आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें बैंक आपका क्या करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ देगा। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक पे करना पड़ेगा बैंक को। तो दिस इज द वेरियस सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर बिजनेसमैन, और इन जनरल ए बिजनेस को ये सारी सर्विसेज एक बैंक प्रोवाइड करता है या एक कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास इज डिजिटल पेमेंट। व्हाट इज डिजिटल पेमेंट? यानी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, इट इज द टाइम और इट इज द एरा ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने प्रमोट किया डिजिटल इंडिया को। डिजिटल इंडिया में यानी जो भी पेमेंट हो रहे हैं, जो भी ट्रांसफर ऑफ मनी हो रही है, उसको अब हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, वो हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
now it is the you have also observed in the market, कोई भी ऑटो वाला हो या कोई भी छोटा शॉप वाला हो, उसके पास क्या है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करके वो अपना पेमेंट लेता भी है और अपना पेमेंट देता भी है। इसके अलावा वो अपने पैसे को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भी घर बैठे ट्रांसफर कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं भैया बैंकिंग का रोल जो है वो आसान हो गया है कस्टमर के लिए। अब जनरली हमें फिजिकली बैंक में लाइन बनाने की जरूरत नहीं है पैसे डिपॉजिट करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए, अब आप घर बैठे पेमेंट इजिली कर सकते हैं और वो सब पॉसिबल हो पाया ड्यू टू डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज ए सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं या एक पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी बिना पैसे को टच किए। द मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। और पैसा ट्रांसफर होता है पेयर के थ्रू, जो पे कर रहा है, और मिलता किसको है, रिसीवर को। और ये सब पॉसिबल हो पाता है इंटरनेट की वजह से। यानी इंटरनेट की क्रांति ने हमें इंसानों को दी है सहूलत। यानी अब हमें लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी बैंक में, आप अपने पैसे को इजिली अपने घर से ट्रांसफर कर सकते हैं जिस बंदे को चाहे, या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं या कोई भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू डिजिटल पेमेंट। ठीक है, आई एम श्योर डिजिटल पेमेंट आपने अच्छे से सुना होगा। इसके बाद जैसे कि आज के टाइम में, यानी भैया यहां पे इसने स्कैन किया इसका मोबाइल से स्कैन किया और पेमेंट डाल दिया और रिसीवर को एक मैसेज आता है कट सनी, यानी आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ डिजिटल पेमेंट। आई एम श्योर डिजिटल पेमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। यानी कस्टमर को बैंकिंग के क्या फायदे हैं, ई बैंकिंग के, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, यानी डिजिटल बैंकिंग के क्या फायदे हैं बीइंग ए कस्टमर। तो कस्टमर को क्या डिफरेंट बेनिफिट हैं, तो डिफरेंट बेनिफिट टू द कस्टमर्स आर, सबसे पहला है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी जो आपका डिजिटल पेमेंट होता है उसके अंदर होती है ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी। आप अपने पैसे को कस्टमर इजिली ट्रांसफर कर सकता है और वो उसको चेक भी कर सकता है। यानी डिजिटल पेमेंट आसान हो गया और एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी भी आ गई। ठीक है, इसके अलावा 24/7 सर्विसेज। डिजिटल पेमेंट ने क्या किया, क्योंकि जनरली बैंक का एक लिमिटेड टाइम होता था और कस्टमर को उस बैंक तक पहुंचना पड़ता था पैसे निकालने के लिए या पैसे ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन आफ्टर डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर यहां पे हमें सर्विसेज मिलती हैं 24/7। यानी बीइंग ए कस्टमर हम बैंकिंग का यूज कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम, यानी 24 घंटे सातों दिन आप बैंक का यूज कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। कन्वीनियंस इन द सेंस, अगर हम बात करें बिफोर डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंक, यानी हमें बैंक के पास जाना पड़ता था, एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, पैसे डिपॉजिट करना पड़ते थे, निकालना पड़ते थे। लेकिन आफ्टर डिजिटलाइजेशन, आफ्टर डिजिटल इंडिया, आफ्टर ई बैंकिंग, आपके लिए सहूलत हो गई है कि आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको मिलती है एक तरीके का कन्वीनियंस। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी डिजिटल पेमेंट ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी प्रमोट किया है। व्हाट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन? कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन योर डिजिटल पेमेंट ऐप। यानी आपने किसको पूरे मंथ में कितना पेमेंट किया है और कितना आपके पास आया है, वो सब का लेखा जोखा आपको जो भी आप अपना डिजिटल पेमेंट ऐप यूज कर रहे होंगे उसमें आपको दिख जाता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटल पेमेंट में डिसिप्लिन कैसे आता है कि भैया आपको एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन करने की अनुमति होती है, उसके अलावा फिर वो ऐप आपके 24 घंटे में काम नहीं करता। यानी एक तरीके का फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस फॉर द कस्टमर। कस्टमर कितने भी बार क्या है अपने पैसे को ले सकता है, मैक्सिमम टाइम वो 5 है। तो यानी आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम्स उस बैंक का फ्री ऑफ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लेस रिस्क प्रोवाइड करता है, लेस
Yes. तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो जनरली लेस रिस्क प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जनरली क्या होता था पहले, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से पहले, हमें जो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उस कैश को कैरी करना पड़ता था और देयर मे बी अ चांसेस ऑफ थेफ्ट ऑल्सो इन ट्रैवलिंग। लेकिन अगर आप आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऐप के थ्रू आप यूज करते हैं अपना ट्रांसफर और सेंडिंग ऑफ मनी, तो भैया इन आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल। तो यहां पे लेस रिस्की हो जाता है थ्रू दी डिजिटल पेमेंट और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो दीज आर दी डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी ये डिफरेंट फीचर बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के एक कस्टमर्स के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स की और नेक्स्ट बेनिफिट की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग आर टू द बैंक। अब बैंक को क्या फायदा है, एज ए कस्टमर तो हमने समझ लिया एक कस्टमर को क्या क्या फायदा है, लेकिन एक बैंक जो कि पूरा बैंकिंग हमें प्रोवाइड कर रही है, तो ये बैंक के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है। तो बैंक के लिए क्या बेनिफिट है ई बैंकिंग के, बैंक को क्या फायदा है, तो दीज आर दी डिफरेंट बेनिफिट टू ए बैंक बाय यूजिंग ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इटसेल्फ बैंक के लिए है, तो बैंक को क्या फायदा हो रहा है ई बैंकिंग का, तो दीज बेनिफिट आर एज, वो क्या है, सबसे पहले अनलिमिटेड नेटवर्क, दूसरा रिड्यूस लोन लोड ऑन ब्रांचेस, ये लोड है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, नेक्स्ट वन इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनईएफटी आरटीजीएस ATMs और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दीज आर दी डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टू बैंक इटसेल्फ। सो तो चलिए अब इसको जानते हैं इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इज द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू द बैंक। बैंक के लिए किस तरीके से फायदा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पर ई बैंकिंग का, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द सेंस कि अगर कोई बैंक ई बैंकिंग का यूज कर रही है तो वो जो दूसरी कॉम्पिटिटिव बैंक्स हैं, यानी अगर मान ली हम बात करें ICICI बैंक की इन प्राइवेट सेक्टर, तो दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं कि बैंक हैं लाइक HDFC यस बैंक और आपकी एक्सिस बैंक और आपकी डिफरेंट अदर बैंक, तो उससे जो कॉम्पिटिशन है उससे कहीं ना कहीं उसको ज्यादा फायदा मिलता है व्हेन द बैंक अनदर बैंक इफ नॉट यूजिंग ई बैंकिंग। आज के टाइम में जनरली हर बैंक क्या है ई बैंकिंग का यूज कर रही है, लेकिन अगर आप ई बैंकिंग के साथ डिफरेंट फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप बैंक के तौर पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, यानी कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन में दूसरी बैंकिंग से ऊपर हो जाते हैं। दूसरी बात है अनलिमिटेड नेटवर्क, द सेकंड बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग इज टू द बैंक इटसेल्फ, वो है बच्चों क्या अनलिमिटेड नेटवर्क। अनलिमिटेड नेटवर्क मींस जो ई बैंकिंग का बैंक यूज कर रही है वो अनलिमिटेड नेटवर्क यानी टर्मिनल का यूज करती है, सो डेट उनके जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहे, वो सिर्फ बैर ब्रांच ही नहीं किसी भी ब्रांच से वो क्या है पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जिससे बैंक को क्या मिलता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलता है। तो अनलिमिटेड नेटवर्क का यूज करती है बैंक सो डेट उनके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहे। इसके बाद है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, यानी इसको आपको समझने के लिए यानी बिफोर ई बैंकिंग जाना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें 2005 तक की भी बात कर लें या 2010 तक की भी बात कर लें, तो उस टाइम हर कस्टमर्स को बैंक को विजिट करना पड़ता था अपने पैसे निकालने के लिए डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हुआ, जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ इंडिया में, यानी हर बैंक क्या है ई बैंकिंग डिजिटलाइजेशन से कनेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है जो ब्रांचेस पे बर्डन था कस्टमर को टैकल करने का कस्टमर को हैंडल करने का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि आज के टाइम में हार्डली बहुत ही कम लोग बैंक विजिट करते हैं। जनरली हम अपना सारा डिपॉजिट का या किसी को ट्रांसफर का किसी का पेमेंट का वो सिर्फ फोन के थ्रू कर सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट ऐप, चाहे वो फोन पे हो गूगल पे हो पेटीएम हो। तो जनरली क्या हो गया रिड्यूस हो गया बर्डन। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू द बैंक, यानी उनका जो बर्डन था जो टैकल करने का कस्टमर को रोजाना लंबी लंबी लाइन को, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। इसके बाद आता है आपका डेबिट कार्ड। तो जनरली डेबिट कार्ड इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर, जिसके अंदर वो जितना भी उनका डिपॉजिट है उसके थ्रू जितना भी डिपॉजिट है बैंक में उसका यूज कर सकते हैं किसी भी
भी टर्मिनल में जाके यानी किसी का भी पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपोजिट डेबिट कार्ड इज वन ऑफ द कार्ड वेयर विच यूज बाय द कस्टमर्स, जिसमें कस्टमर अपना कोई भी पेमेंट कर सकता है अपने डेबिट कार्ड से या विड्रॉ कर सकता है जाके ATM से, जितना पैसा उसका सेविंग अकाउंट में या उस अकाउंट से लिंक्ड है। तो लिंक के अकॉर्डिंग वो अपना कार्ड को यूज करके कहीं ना कहीं बैंक क्या कर रहा है भैया, बैंक उसको एक तरीके की फैसिलिटी दे दे रहा है। बैंक को भी फायदा हो रहा है कि कस्टमर बार बार उसकी बैंक में विजिट नहीं करेगा पैसे निकालने के लिए, वो जाएगा ATM और वहां से अपने पैसे को निकाल सकता है। इसके बाद आता है आपका क्रेडिट अकाउंट। तो क्रेडिट अकाउंट इज अकाउंट जिसमें आपके कोई भी अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जनरली क्रेडिट कार्ड इज गिवन टू दी पर्सन जिसकी क्रेडिट वर्थिनेस या जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। इसके अंदर आपको एक सर्टेन लिमिट दी जाती है जिसमें आप उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, और बट ये ऑल्सो रिस्की भी होता है क्योंकि इस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो जनरली मेरा सजेशन ये है जो बंदे भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही फाइनेंशियल प्लानिंग के स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड का यूज करते समय आपको पेमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितनी लिमिट है उसको हमें यूज कर सकते हैं और उसका टाइमली पेमेंट भी करें। तो क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो गिवन टू देयर रिलायबल कस्टमर हु हैज क्रेडिट वर्थिनेस। उनको बैंक क्या करती है, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में कार्ड दे देती है जिसका यूज वो कर सकता है डिफरेंट पेमेंट करने के लिए, डिफरेंट शॉपिंग करने के लिए, और कोई भी पैसे को कहीं पर भी ट्रांसफर तो जनरली नहीं करते हम, जनरली इसको शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर्विसेज और द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग इज द इमरजेंस ऑफ NEFT। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, और इसके अंदर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, यानी एक अकाउंट होल्डर के दूसरे अकाउंट में हम NEFT के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इज और द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग इज द इमरजेंस ऑफ RTGS। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसके अंदर हम रियल टाइम में और ग्रॉस वैल्यू पे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को। मिनिमम अमाउंट यहां पे 2 लाख रिक्वायरमेंट होता है, 2 लाख तक हम यहां पे पैसा मिनिमम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ATM का मतलब होता है बच्चों ऑटोमेटिक टेलर मशीन व्हिच इज जनरली यूज्ड बाय द कस्टमर, जिसमें हम पैसे को क्या कर सकते हैं आज के टाइम में, जनरली पहले ATM विड्रॉन के लिए होते थे लेकिन आज के टाइम में ATM दोनों टाइप के मिलते हैं, जिसमें आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉन भी कर सकते हैं। तो ATM एंड दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू दी बैंक। आई एम श्योर कि ये बेनिफिट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपको ई बैंकिंग और डिजिटल इंडिया डिजिटल पेमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।